हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ गुजिया रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि होली आने वाली है और होली पर गुजिया हम सभी के घरों में बनती है। गुजिया को हम कई तरीक़ों से बनाते हैं। आज हम जो गुजिया बनाएंगे वो सूजी और मावा से बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी गुजिया बनी है। आप भी इसको इजीली बना सकते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने कढ़ाई में 1 टीस्पून देसी घी डाला है, क्योंकि सबसे पहले मैं जो सूजी है उसको रोस्ट करना है, और ये 100 ग्राम सूजी है, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छे से फ्राई भी नहीं होगी। इस तरीके से चलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करना है। देखिए, सूजी रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है और अच्छी सी स्मेल भी आ रही है इसमें। अभी इसको हटा देंगे और इसी कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून घी दोबारा डाला है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर इसको आप रोस्ट करके डालेंगे तो जो गुजिया आप बनाएंगे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। सो मैं प्रेफर करती हूँ रोस्ट करके डालने का, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और ये कोकोनट पाउडर है, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे कि बहुत ही अच्छी स्मेल और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तरीके से ये रोस्ट हो चुका है और इसी में ये 250 ग्राम खोया है मावा, इसको भी डाल देंगे। मैंने डाल दिया है इसको और इस तरीके से चलाते हुए जो भी लम्स हैं उनको हटा देंगे। इस तरीके से, और यहीं पे मैं ये जो इलायची पाउडर है वो डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा। ये तरीके से इसको चलाना है कॉन्स्टेंटली, आपको छोड़ना नहीं है बीच में ऐसे ही, नहीं तो जल जाएगा ये। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। देखिए इस तरीके से चलाने से जब ये मावा एक साथ आने लगे तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। तरीके से ये देखिए अच्छे से एक साथ में आने लगा है ये मावा, ये हो चुका है रोस्ट हो गया है। अभी इसको ऐसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तब तक नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। ये डो बनाने के लिए मैंने ये मैदा लिया है और ये 2 टीस्पून ऑयल है, डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो 1 पिंच सॉल्ट का डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको प्रसाद में यूज़ करूँगी पहले। आप चाहें तो डाल सकते हैं, और आप इसका डो दूध से लगा सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट आटा बन लगेगा। और लेकिन मैंने इसको यहाँ पर लिक्विड वाटर से लगाया है, आप चाहें तो लिक्विड वाटर से भी लगा सकते हैं।
और ये मैं इसको डो को रख दे रही हूँ एक एयर टाइट कंटेनर में। आप चाहें तो ऐसे ही रख के इसके ऊपर गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं। इसको रख दूंगी मैं 10 मिनट्स के लिए, तब तक जो भी गुजिया की स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। ये मैं ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे वो मैंने ले लिया है। ये 50 ग्राम सूजी है, मैंने पूरी सूजी नहीं ली है, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये खोया है, ये 150 ग्राम खोया है, ये 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है जिसको बूरा भी बोलते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा मीठा करना चाहें तो आप और भी थोड़ा चीनी ले सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे खाना ज़्यादा मीठा पसंद है आपको या कम मीठा, आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इलायची हम पहले से ही डाल चुके थे खोया में, सो अब ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने डो लगा के रखा था उसमें से थोड़ा डो ले लिया है, आपको डो थोड़ा थोड़ा ही करना है, बाहर पूरा बाहर निकाल के नहीं रखना है। और इस तरीके से छोटी छोटी बॉल बना ली है मैंने इसकी, ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे। और अभी मैं इसको बेल लूँगी, इसको ज़्यादा मोट एकदम से बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इस तरीके से बेल लेंगे इसको। और ये सांचा है देखिए, इसके ऊपर रख लेंगे जो हमने बेला है जिसको, और साइड में वाटर लगाएंगे चारों तरफ इसके, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगी। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग आपको उतनी रखनी है जितनी कि अच्छे से सांचा बंद हो जाए, अगर ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे बहुत तो सांचा बंद नहीं होगा, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो भी एक्स्ट्रा एज था मैंने वो निकाल दिया है। और देखिए ये गुजिया बनकर तैयार है, इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया को बना लिया है। और अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। ये डाल दिया है मैंने, और जो ऑयल है वो आपका ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, फ्लेम आपको मीडियम रखना है। इस तरीके से सारी गुजिया को डाल दिया है और ये पलट के इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमने जो बेला है वो बहुत मोटा नहीं था, तो ज़्यादा देर तक नहीं करना है नहीं तो जल जाएंगी। और इसको मैं ये एक टिश्यू पेपर पे निकाल ले रही हूँ जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से सारी गुजिया को इसी तरीके से बना लेंगे। लीजिए आपकी गुजिया बनके तैयार है। इसी तरीके से आप भी इजीली टेस्टी गुजिया बना सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और होली पर गुजिया तो बनती ही बनती है, सो आप लोग इंजॉय कीजिए इस गुजिया को विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई होप आपको गुजिया की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।